नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिंदा स्वाद में स्वागत है। दोस्तों आज मैं भिंडी दो प्याजा बनाने जा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, हमने भिंडी ले ली है। तो ये हमारा 700 ग्राम भिंडी है। तो मैंने भिंडी को अच्छे से धो करके और सूती कपड़े में अच्छे से इसे पोंछ करके आप देख सकते हैं बड़े बड़े टुकड़ों में काट रखा है। इसके मैंने आगे और पीछे के हिस्से कट करके इसके टुकड़े कर लिए हैं। तो अब हम इसे हल्का फ्राई करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और इसमें हमने ऑयल भी डाल दिया। तो हमारा ऑयल भी बिल्कुल गर्म हो गया है। तो अपने भिंडी को हम फ्राई करेंगे। दोस्तों हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, इसे सेलो फ्राई कर रहे हैं, जिससे कि हमारी भिंडी हेल्दी भी बने। मैं आपको दिखाऊंगी कि भिंडी को कैसे फ्राई करनी है। दोस्तों मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी और कैसे बनाना है। दोस्तों हमें अपनी भिंडी को तेज आंच में ही फ्राई करना है। हम अपने भिंडी को फ्राई करने के लिए हमने इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाले थे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई है। हमें अपनी भिंडी को बिल्कुल ऐसे ही फ्राई करना है। तो हम इसे अब कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए हमें ऐसे कटे हुए प्याज चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमने एक प्याज को लेकर के उसे 4 टुकड़ों में काट करके हमने उसके पीसेस को अलग कर लिया है। तो बिल्कुल ऐसे प्याज चाहिए हमें अपने भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए। तो हमने 2 बड़े साइज के प्याज को कट करके ऐसे निकाल दिया है। तब इसे हम फ्राई कर लेंगे। दोस्तों इसे भी हम हल्का फ्राई करेंगे। दोस्तों भिंडी और प्याज को फ्राई करते समय हमें तेज आंच का इस्तेमाल करना है। तेज आंच में ये काफी अच्छा फ्राई होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा प्याज भी फ्राई हो गया है। तो इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे, भिंडी में ही रख लेंगे। दोस्तों हमारी दोनों चीजें फ्राई हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं अभी भी हमारे कढ़ाई में तेल है। तो इसमें हम अपने सब्जी का तड़का लगाएंगे। दोस्तों तड़का लगाने के लिए हम अजवाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 1/2 चम्मच अजवाइन ले लिया है, इसे डाल देंगे। और 1/2 चम्मच जीरा ले लिया है, इसे डाल देंगे। दोस्तों अजवाइन और जीरे का तड़का भिंडी में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप एक बार ऐसे जरूर से ट्राई करिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है। तो अपना तड़का लगाने के लिए हमने ये देख सकते हैं आपसे 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, इसे डाल देंगे। साथ में मैंने 2 लाल मिर्च साबुत ले ली है और 2 से 3 हरी मिर्ची को कट कर लिया था लंबा लंबा, उसे डाल देंगे। इससे हम अपना तड़का लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है। तो अब हमने ये जो बारीक कटे हुए प्याज, हमारे 2 बड़े साइज के प्याज हमने बारीक काट लिए हैं, इसका तड़का लगाएंगे इसमें। दोस्तों गर्मियों के मौसम में आपको अपनी सब्जी को कुछ अलग तरीके से या अलग ढंग से बना के खाना है तो आप भिंडी दो प्याजा को जरूर से ट्राई करिएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। दोस्तों हम अपने प्याज को अच्छे से सौते करेंगे, अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा प्याज जो है थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। तो हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे प्याज और लहसुन अच्छे से भुन गए हैं। तो हम मसाले डाल लेंगे। दोस्तों ये हमारा 1 चम्मच धनिया और गरम मसाला का पाउडर है, ये दोनों एक ही में मिक्स है। तो ये मैं 1 चम्मच डाल ली हूँ इसमें, इसे मिला लेंगे। साथ में मैं इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। दोस्तों ये हमारा घर का बना हुआ लाल मिर्च पाउडर है। तो दोस्तों अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो ही लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करें, वरना इसके बिना भी आप बना सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी सारी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं। तो अब हमने जो है कि
दो बड़े साइज के टमाटर को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया था, ये आप देख सकते हैं। तो इसे डाल देंगे इसमें। दोस्तों अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक को डाल लेंगे। दोस्तों अब हम इसमें 3 चम्मच फेटी हुई दही डाल रहे हैं। दोस्तों इससे हमारी भिंडी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इसे अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। दोस्तों हमारे सारे मसाले अच्छे से पक सके इसके लिए हम इसमें 1 बड़ा चम्मच पानी डालेंगे और इसे 2 मिनट तक हम ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों हमारी सभी चीज़ों को पकते हुए आप देख सकते हैं 2 मिनट हो गए हैं और हमारे मसालों का तेल आप देख सकते हैं बाहर भी आ गया है। तो हमारी सभी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। दोस्तों हमने ग्रेवी थोड़ी सी ढीली रखी है ताकि हमारी भिंडी में भिंडी के ऊपर जो है अच्छे से मसालों की कोटिंग हो सके, उसके अंदर तक जो है मसाले जा सके। इससे जो है कि हमारी भिंडी बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। तो हल्का सा हम खोल के और इसको फ्राई कर लेंगे मीडियम आंच पे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी मसाले बिल्कुल रेडी हैं। तो हमने जो भिंडी और प्याज कर वो फ्राई करके रखा था उसे इसमें डाल देंगे। और अच्छे से बहुत ही हल्के हाथों से हम भिंडी में मसालों को मिक्स कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा भिंडी दो प्याजा बिल्कुल रेडी है। तो इसे गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। दोस्तों इसे रोटी के साथ खाइए, चाहे पराठे के साथ खाइए, सभी के साथ ही बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। तो इसे एक बार आप जरूर से ट्राई मारिएगा, आपके घर के लोगों को ये बहुत ही पसंद आने वाला है। दोस्तों ऊपर से हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। दोस्तों ये गर्मा गर्म भिंडी दो प्याजा की सब्जी हमने सर्व करने के लिए निकाल दिया है कढ़ाई से बाहर। तो दोस्तों भिंडी दो प्याजा की सब्जी बनाने का मेरा ये तरीका अगर आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।